धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा 16 अप्रैल 1983 परम पिताजी मलोट सत्संग के दौरान जब साध संगत को वचन फरमा रहे थे तो अचानक वहां एक भयानक काला सांप निकल आया। उसे देखकर कुछ प्रेमी डर गए जो कि परम पिताजी के पास ही बैठे थे। उन्हें भयभीत होते देखकर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा मालिक तुम्हारे अंदर है, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुम नाम जपो, यह संकट अपने आप ही दूर हो जाएगा। तब परम पिताजी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित एक प्रसंग सुनाया कि एक बार श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पास बैठे कुछ लोग हवन कर रहे थे। अचानक आग की लपटें विकराल रूप धारण करके ऊपर को उठने लगी तो लोग डर कर भागने लगे। तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने फरमाया, जब तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने बैठा है तो आग तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी। इस प्रसंग को सुनाने के पश्चात परम पिता जी ने फरमाया, बेटा इसी तरह जब हम तुम्हारे सामने खड़े हों तब सांप तो क्या, काल भी आ जाए तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 15 जुलाई 1985 आज डेरा सच्चा सौदा सांझा धाम मलोट पंजाब के प्रांगण में रूहानी सत्संग का कार्यक्रम था। परम पूजा सतगुरु जी के सत्संग मंच को तरह तरह के सुंदर फूलों से सजाया जा रहा था। एक सेवादार के दिल में ख्याल आया कि मैं इतने प्यार से अपने सतगुरु की स्टेज को फूलों से सजा रहा हूँ, यदि परम पिताजी इस सजावट की प्रशंसा करें तो आनंद आ जाए। यह सोचकर वह फिर से सेवा में लग गया। परम पिताजी मंच पर पधारे व रूहानी सत्संग की शुरुआत हुई। कुछ ही देर बाद अंतर्यामी सतगुरु जी ने अपने समक्ष रखा हुआ गुलदस्ता अपने कर कमलों में लिया व फरमाया, देखो कुदरत का कादर, इनमें रंग भरने वाला इनके पास नहीं बैठा है, ना ही कोई औजार है, फिर भी इतने सुंदर खुशबूदार एवं मनमोहक फूल मालिक ने बनाए, उस शक्ति के बेअंत खेल हैं। हे इंसान, तू उसका शुक्राना अदा कर, अपनी वाहवाही को छोड़ दे। उस सेवादार ने बताया कि मैं सतगुरु के पावन मुख से यह बात सुनकर हैरान रह गया तथा अपनी सोच के लिए मन को लहणत देने लगा। सायकाल परम पिताजी जल्दी ही मजलिस में आ गए। कविराज भाइयों ने भजन गाए। परम पिताजी ने एक गांव की बात सुनाई कि एक बहन अपनी लड़की को लेकर सरसा दरबार में आई। कई दिनों से उस लड़की को कुछ भी हजम नहीं हो रहा था, उसे लगातार उल्टियां हो रही थी। परम पिताजी ने उस बहन को कहा कि इसे लंगर खिला दो। उस बहन ने वचनानुसार अपनी लड़की को लंगर खिला दिया, फिर उसे उल्टी नहीं आई, उसे लंगर हजम हो गया। अतवह अपने मुर्शिद के वचनों का पालन करने से स्वस्थ हो गई। इसके बाद सारी साध संगत को अमरूदों का प्रसाद दिया गया। 5 अक्टूबर 1981 पूज्य परम पिताजी साध संगत को खुशियां देने के लिए कोई ना कोई बहाना बना ही लेते। इसका एक उदाहरण इस प्रकार है। एक बार बरनावा यूपी में सत्संग करने के बाद पूजनीय परम पिताजी सरसा आश्रम में आ रहे थे। रास्ते में पूजा परम पिताजी की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। जिस गांव के पास पिताजी की गाड़ी रुकी, संयोगवश उसी गांव का कोई प्रेमी वहां सड़क के किनारे पर खड़ा था। वह परम पिताजी को अचानक वहां देखकर खुशी से झूम उठा। खुशी के मारे उसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। उसने परम पिताजी से अपने घर पर चरण डालने की प्रार्थना की। वह प्रेमी आर्थिक तौर पर कमजोर था, परंतु प्रेम के मामले में बहुत धनवान था। परम पिताजी ने कहा, बेटा तेरा घर कहाँ है? वह कहने लगा कि पिताजी नज़दीक ही है। दयालु दातार जी उसके साथ चल पड़े। चलते चलते पूजा पिताजी ने 3-4 बार उसी तरह से पूछा, बेटा तेरा घर और कितनी दूर है? वह हर बार यही कह देता
कि पिताजी नज़दीक है। इस तरह सारा गांव पार करके वह पूजा पिताजी को अपने छोटे से घर के एक छोटे से कमरे में ले गया। परम पिताजी प्रेमी के घर में बड़े प्यार से विराजमान हुए और अपने अपार खुशियों से उसे माला माल किया। उसकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। इतने में एक सेवादार ने आकर बताया कि पिताजी टायर का पंक्चर लगवा दिया गया है। पूजा पिताजी उस प्रेमी को अथाह प्रेम बख्शते हुए सरसा की ओर प्रस्थान कर गए। 30 सितंबर 1981 गांव सीही जिला बुलंदशहर यूपी में सत्संग का कार्यक्रम निश्चित था। 29 सितंबर को गुलावटी यूपी का सत्संग था। सीही की सत्संगत ने बड़े उत्साह से सत्संग की तैयारी की, परंतु प्रातकाल मौसम का मिजाज बिगड़ गया एवं बारिश होने की संभावना हो गई। थोड़ी बूंदाबांदी भी होने लगी। पहली बार सत्संग हो रहा था। सारे प्रेमी निराश हो गए कि अगर बारिश आ गई तो सारा प्रबंध खराब हो जाएगा। सभी सेवादार अपने सतगुरु जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि पिताजी आप ही इसे रोक सकते हैं जी। जब पिताजी गाड़ी में से नीचे उतरे तो उनके हाथ में छतरी थी। सारी संगत ने प्रेम से नारे लगाए। परम पिताजी रागी दिलीप सिंह को हंसकर कहने लगे, दिलीप सिंह काल शरारत कर रहा है, इसके इंजेक्शन लगा दें। उसके बाद थोड़ी ही देर में मौसम बिल्कुल साफ हो गया और बड़ी धूमधाम से सत्संग का कार्यक्रम संपन्न हुआ तथा सत्संग के उपरांत 1342 नाम अभिलाषियों ने नाम शब्द लिया। 16 मार्च 1982 गांव कुराड़ जिला जींद में सत्संग था। सत्संग अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक मौसम खराब हो गया और काले काले बादल छा गए और वर्षा होनी शुरू हो गई। गांव वाले भाग भाग कर अपने अपने घरों के अंदर चले गए और बाहर से आई हुई सत्संगत मंच के पास छायावानों के नीचे खड़ी हो गई। यह सारा खेल देखकर परम पिताजी रागी दिलीप सिंह से कहने लगे कि ऐसे बोल, आ जाओ भाइयों, बैठ जाओ, यह तो अपने आप ही भाग जाएगा। दिलीप सिंह साजबाज के साथ पूरी मस्ती में बोला, आ जाओ भाइयों, बैठ जाओ, यह तो आप ही भाग जाएगा। अभी दो बार ही बोला था कि सचमुच ही बारिश बिल्कुल बंद हो गई। गांव वाले सभी भाई बहन आवाज़ सुनकर और बारिश बंद देखकर सत्संग पंडाल में आकर बैठ गए। परम पिताजी ने मंच संचालक को फरमाया, बेटा पहले हम नाम शब्द देंगे, अगर मौसम ठीक रहा तो सत्संग बाद में कर लेंगे। मंच संचालक ने परम पिताजी के वचनानुसार उसी समय माइक में बोला कि जिसने भी नाम शब्द लेना है वह मंच के पास आकर बैठ जाए। सभी नाम लेने वाले भाइयों को स्टेज के पास बैठाकर परम पिताजी ने नाम दान की बख्शिश कर दी और वचन फरमाया, भाई कनाते हटा दो, अब सत्संग होगा। अभी शब्द वाणी शुरू ही की थी कि जोरदार बारिश आ गई। परम पिताजी मुस्कुराए और वचन फरमाया, भाइयों हमने तो अपना काम कर लिया है, यानी नाम शब्द तो दे ही दिया, अब चलते हैं। फिर परम पिताजी बरसात में ही विश्राम स्थल वाले घर में आ गए। दोपहर के बाद का सत्संग गांव गुलाड़ी में था। बारिश के कारण गुलाड़ी में दिन की बजाय शाम का सत्संग हुआ। सत्संग में परम पिताजी ने कुराड़ वाले सत्संग की बात सुनाई और फरमाया, काल ने कुराड़ के सत्संग में बड़ी शरारत की। सत्संग के दौरान बारिश हो गई, जितना पानी था उसने बरसा दिया और पानी लेने के लिए चला गया। जब दोबारा पानी लेकर आया, इससे पहले हमने नाम देने वाला काम कर लिया था। परम पिताजी हंसते हुए फरमाने लगे, यह कार्यक्रम तो चलता ही रहता है। परम पिताजी ने नाम अभिलाषी जीवों को नाम दान दिया और फिर विश्राम स्थल वाले घर में आ गए। 31 मार्च 1982 हिसार में सत्संग था। परम पिताजी जिस समय मंच पर विराजमान हुए तब सात संगत बहुत कम थी। पूजनीय परम पिताजी ने वचन फरमाया, भाई
हिसार इतना बड़ा शहर है परंतु साध संगत बहुत कम है। परम पिता जी ने सत्संग फरमाया और सत्संग सुनकर शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों, पुलिस व सिविल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी गणों ने नाम लिया। इस पर पूज्य परम पिता जी ने खुश होते हुए वचन फरमाया, भाई सोना तो थोड़ा ही बहुत होता है, स्क्रैप का चाहे ट्रक भर लो। परम पिता जी ने अपनी शहनशाही मौज में आगे वचन फरमाया, हिसार गले का हार। उन्हीं दिनों मानसा मंडी पंजाब में जिस समय परम पिता जी सत्संग फरमाकर विश्राम स्थल वाले घर में पहुंचे तो मिलने वाली साध संगत को प्रसाद बांटकर विश्राम करने हेतु जाने लगे। एक प्रेमी कहने लगा कि पिताजी मैं कौन सा काम करूं। परम पिताजी कहने लगे, भाई तू क्या क्या काम जानता है। वह कहने लगा, परम पिताजी मैं चाय बना लेता हूं और साइकिल सवारने का काम भी जानता हूं। परम पिताजी कहने लगे, इसमें से तेरे को कौन सा काम पसंद है। वह कहने लगा कि मुझे साइकिल का काम पसंद है। इस पर पिताजी कहने लगे, बेटा नारा लगाकर साइकिल संवारने की दुकान खोल ले, जो भी ग्राहक आए उसे मीठा बोलना और कहना कि तेरी साइकिल को अभी ठीक कर दूंगा, तू 5 मिनट बैठ जा, तेरी साइकिल को मैं हेलीकॉप्टर बना दूंगा। इस प्रकार दयालु परम पिताजी ने उस प्रेमी को रोजगार का ढंग भी समझा दिया और खुशियों से भी मालामाल कर दिया। 4 मई 1986 माह के प्रथम रविवार को सत्संग था। प्यारे पिताजी प्रातः ही सैर करने बाग में चले गए। बाहर से आई हुई साध संगत ने परम पिताजी के भरपूर दर्शन किए। सत्संग फरमाने के लिए परम पिताजी सुबह 10 बजे मंच पर आ गए। साध संगत पहले से भी अधिक संख्या में थी क्योंकि 4 महीने के बाद सत्संग हो रहा था। समस्त साध संगत खुशी में तालियां बजाकर नाच रही थी। परम पिताजी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सत्संग का भजन बोला गया जिसकी टेक थी, राक्षस भी देवता बन जाएं, सत्संग में चलकर आने से पाप जन्म जन्म के कट जाएं, सत्संग तीर्थ पर नहाने से। परम पिताजी ने पूरे भजन की व्याख्या की। सत्संग में परम पिताजी ने वैराग चंद सिपाही के साथ घटित घटना सुनाई कि उसे बैंक से 35,000 रुपए अधिक मिल गए और वह बैंक में लुटाने के लिए चला गया। बैंक वाले चकित हो गए कि इतना ईमानदार व्यक्ति पहले नहीं देखा। बैंक के अधिकारी जब उक्त प्रेमी को इनाम स्वरूप कुछ रुपए देने लगे तो वैराग चंद ने कहा कि हमारे संत जी ने हमें संतोष रूपी धन दिया है, इस इनाम की क्या आवश्यकता है। इसीलिए उसने इनाम भी लेने से मना कर दिया। यह सुनकर उस बैंक के सभी सदस्य उसी मासिक सत्संग पर नाम शब्द ले गए। सत्संग की समाप्ति के उपरांत नाम अभिलाषी जीवों को नाम दान प्रदान कर भाव सागर से मुक्ति योग्य बनाया तथा समस्त साध संगत को लंगर खिलाया गया। शाम की मजलस में सेवादारों ने परम पिता जी को बताया कि जब आप जी ने हमें सत्संग दिया तो हमें जो खुशी हुई उसका हम बयान नहीं कर सकते। इस पर परम पिता जी ने फरमाया, भाई सूरज की रोशनी में इतनी तपिश होती है जिसे जीव सहन नहीं कर सकता, लेकिन जब बरसात होती तब जीव को राहत प्राप्त होती है। इस प्रकार माँ भी बच्चे को तब ही दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, बिना रोए माता भी दूध नहीं पिलाती। ऐसे ही सतगुरु भी भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। जब भक्त को सतगुरु से मिलने की तड़प पैदा होती है तब सतगुरु दर्शन देकर उसकी तड़प को शांत करते हैं। तदोपरांत परम पिता जी ने भोजन ग्रहण किया एवं सेवादारों को प्रसाद देकर 3 बजे बरनामा आश्रम यूपी से सरसा आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। परम पिता जी रात के 9:30 बजे सरसा दरबार पहुँचे। सरसा दरबार पहुँचने के उपरांत समस्त सेवादारों एवं संगत को दर्शनों का लाभ प्रदान करते हुए गुफा में चले गए। 13 मई 1987
पूजनीय परम पिता जी गाँव मोठ माजरा जिला जींद में सत्संग फरमा रहे थे। एक शंकावादी व्यक्ति ने कहा कि जो व्यक्ति नाम लेकर निजमों का उल्लंघन करता है तो सतगुरु उसे कैसे लेकर जाएगा, क्योंकि उसने अपने सतगुरु का हुक्म तो माना नहीं। इस पर परम पिता जी ने फरमाया, मान लो एक जमींदार किसी मंडी से बैल खरीद कर लाता है, अचानक रास्ते में किसी दुर्घटना में बैल की टांग टूट जाती है, तो क्या जमींदार उस बैल को वहीं रास्ते में छोड़कर अपने घर खाली चला जाएगा? कदापि नहीं, बल्कि डॉक्टर से उसका इलाज करवाएगा और उसे अपने घर ले जाएगा। इसी तरह पूर्ण सतगुरु अपने भक्तों को नहीं छोड़ता, चाहे वे सारे निजमों का उल्लंघन ही क्यों ना कर दें। गलतियों की सजा सूक्ष्म मंडलों पर देकर सतगुरु स्वयं उसे सतलोक पहुंचा देते हैं। सत्संग की समाप्ति के बाद परम पिता जी ने नाम अभिलाषी जीवों को नाम शब्द देकर मोक्ष प्रदान किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।